पानी है। आज भी जिसका खून न घोला, खून नहीं वो पानी है। जो जवानी अपने समाज के काम न आई, वो बेकार जवानी है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बुंदेलखंड की धरती पर जिन साथियों ने मुझे यहां पर आकर अपनी बात रखने का मौका दिया, वो युवा टीम साथियों, जो आयोजक टीम है, और इतनी बड़ी मात्रा में आप सभी साथीगण हमें सुनने आए हैं, समझने आए हैं, और इस क्रांति में जो हमें साथ देना है, सबसे पहले हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, आप सगाजनों से हम करीबन 3 घंटे से अलग अलग क्षेत्र के लोग बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं। तो मेरी बात रखने से पहले इस धरती पर जितने क्रांतिकारी हो चुके हैं, उन सभी क्रांतिकारियों को नमन करता हूं, और खास तौर पर देश आजाद हुआ उससे पहले भी आजादी की लड़ाई लड़ने वाले और सभी को शिक्षा का अधिकार देने वाले स्वामी ब्रह्मानंद जी को भी मैं जोहार नमन करता हूं। दोस्तों, लड़ाइयां बहुत हो चुकी है, पास्ट में भी हुई है, प्रेजेंट में भी हुई है, और फ्यूचर में भी होगी, लेकिन अब लड़ाई कैसे लड़नी है वो हमें तय करना है। देश को आजाद हुए 1947 में देश आजाद हुआ, करीबन 75 साल हो गए, लेकिन हमें एक सवाल आज भी है, क्या सही में हम लोग अभी तक आजाद हुए? तो जवाब होगा ना। क्यों? क्योंकि हमें आज भी गरीबी से आजादी लेनी है, जातिवाद से आजादी लेनी है, या अत्याचार से आजादी लेनी है, जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके साथ भी हमें आजादी लेनी है, तब जाकर हमें सच्ची आजादी मिलेगी। हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम आरक्षण बचा लेंगे। कैसे बचेगा आरक्षण भाई? सबको बाबा साहब अंबेडकर चाहिए, सबको बिरसा मुंडा चाहिए, सबको झलकारी भाई चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर में, अपने घर में कोई पैदा नहीं करना चाहता कि ऐसा कोई बंदा पैदा हो या ऐसी कोई स्त्री पैदा हो जो संघर्ष करके आगे आए। अगर हमें सही मायनों में बहुजन एकता को 100% अगर साबित करना है, तो हर किसी को अपने घर में बाबा साहब अंबेडकर को पैदा करना पड़ेगा, झलकारी भाई को पैदा करनी पड़ेगी, तब जाकर हम सच्चे मायनों में हमारा जो हक है, हमारा हकूक है, उसे हम पालेंगे। मैं आदिवासी समुदाय से आता हूं, गुजरात के साथ साथ कई स्टेट्स में हम लोग जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, पहाड़ों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, नदियों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जल जंगल जमीन पहाड़ और ये नदियां, यही हमें जीवन दान देती है। ये हमारे सच्चे भगवान हैं, सच्चे हमारे कुदरत के रखवाले। हम जो कहते हैं आदिवासी, वो आदिवासी इसीलिए कहा जाता है कि अगर जंगल इसकी जान है तो आदिवासी उसकी धड़कन है। दोस्तों, लड़ाई बहुत लंबी है, आने वाले दिनों में हमें बहुत बड़ा संघर्ष करना है, लेकिन संघर्ष करने के लिए हमें एकजुट तो होना पड़ेगा। सबसे पहले हमें जातिवाद से अपने आप को दूर करना पड़ेगा। हम दुश्मनों से बाद में लड़ते हैं, पहले अपने ही लोगों के अंदर बीचों बीच लड़ते हैं। हमारे अंदर सामाजिक एकता कब होगी? जब हम इस जातिवाद को तोड़ मरोड़ कर एक ही बात रखेंगे कि हम आदिवासी, दलित या ओबीसी नहीं है, हम सिर्फ बहुजन है। 85% इस देश की बस्ती है, 140 करोड़ में से 110 करोड़ की संख्या होने के बावजूद आज हम गरीब हैं, लाचार हैं। आज भी हम लोग भीख मांगते हैं। भीख मांगना बंद करो। अगर सही मायनों में अपने आप को मालिक हो, मालिक बोलते हो, तो मालिक की तरह बर्ताव करो।
हम कब तक भीख मांगते रहेंगे आरक्षण के नाम पे, जातिवाद के नाम पर। आरक्षण बिल्कुल सही है हमारे लिए, लेकिन हम ये कहते हैं कि आरक्षण 100% कर दो। जो लोग 3% है या 15% है वो लोग 50% आरक्षण भुगत रहे हैं, और जो 85% है वो 50% भुगत रहे हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है भाई? हम ये कहते हैं जिसकी जितनी संख्या है उसको 100% आरक्षण दे दो, तब तो पता चलेगा ना। अगर ओबीसी 54% है तो उसको रिजर्वेशन 54% मिलना ही चाहिए। अगर दलित 15% है तो उसे 15% कंपलसरी मिलना चाहिए। आदिवासी 7.5% है तो उसे 7.5% आरक्षण मिलना चाहिए। ब्राह्मण अगर 3% है तो 3% ले जाए 100%। और ये लोग कहते हैं सरकारी आवास, सरकारी क्षेत्रों में हम रिजर्वेशन मिटा देंगे। इनको सरकारी और शिक्षा में जो आरक्षण है या नौकरियों में जो आरक्षण है उनसे उनको दिक्कत है। तो हम बोल रहे हैं कि ये मंदिरों में जो आरक्षण 100% इतनी पीढ़ियों से लाए हैं, वो आरक्षण के बारे में आप कब बात करोगे? सही बात है ना, क्योंकि वहां पर तो कोई है ही नहीं, ना ओबीसी है, ना एससी है, ना एसटी है, ना माइनॉरिटी है। वहां पे 100% वो लोग बैठे हैं। जितने भी संसदीय सचिव है आप देख लीजिए, सारे अपर कास्ट है, और वो भी विदाउट एग्जाम के, सिर्फ सिलेक्शन प्रणाली से उनको बिठा दिया गया है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? 100% में से अगर हम 85% है तो 85% का दावा हमें ठोकना पड़ेगा। हमें जमीनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मंच से बड़े बड़े भाषण होंगे लेकिन जब सड़कों की बात होगी तो जीरो रिजल्ट होगा। हमें बात संघर्ष की करनी है, सड़कों के संघर्ष की बात करनी है। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो महापुरुष थे, जब उनका वक्त था उनको जो ठीक लगा उन्होंने सड़कों पे आकर वो लड़ाई लड़ी, लेकिन हमको सब कुछ रेडी मिला है, इसलिए हम लोग आलसी बन गए हैं। आलसी भी ऐसे बन गए कि जो होता है होने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आग जो लगी है ना, अगर बगल में लगी है तो कल ना कल, आज नहीं तो कल, वो आपके घर पे भी आएगी। तो उस आग को बचा, अगर आग लगने से आपको बचना है तो अगर अपने भाई के घर में अगर आग लगी है तो उसे बुझाने का काम उससे पहला आपका होना चाहिए। ये जातिवाद के बंधन तोड़िए, ये सीमाओं के बंधन तोड़िए, तब जाकर हम हमारे हकूक की बात रख पाएंगे। लड़ाइयां बहुत है दोस्तों, वक्तागण भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि सही मायनों में जब हम आजादी की बात करेंगे, कब बात करेंगे? जब ये बुंदेलखंड भारत के नक्शे में अपना एक नक्शा बनाएगा। क्योंकि सबको अपना हक लेने का अधिकार है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो सही मायनों में जो वाक्य है वो तब जाके होगा जब हम हमारे हकूक के लिए अपने हक की बात रखेंगे। हमारी बहनों ने भी बहुत अच्छी बात रखी है, और बहनों ने भी कहा था कि हमारी जो बहनें हैं लाचार है, क्योंकि जब तक बहनें अपने आप को लाचार और बेबस समझेगी ना, तब तक आपके ऊपर अत्याचार और बलात्कार होते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप लोगों ने दुर्गावती या फुलन देवी बनने का कोशिश की ना, उस दिन से वो नालायक, वो हरामखोर आपके 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 सामने आंखें भी नहीं उठा पाएंगे। तो हमें लड़ाई सिर्फ अपनी नहीं लड़नी है, अपने भाइयों की भी लड़नी है। जो अपने भाई हमारे साथ आकर खड़े होते हैं उसे हौसला अफजाई भी करनी चाहिए। युवा टीम की, जो युवा साथियों की जो टीम है, पिछले कई दिनों से रात दिन मेहनत करके इस प्रोग्राम का आयोजन करने के लिए, हमको इनवाइट करने के लिए उन्होंने तन मन धन से मेहनत की है। तो ये जो क्रांति की शुरुआत यहाँ से हुई है, मैं चाहता हूँ कि ये क्रांति की शुरुआत हम गुजरात में भी ले जाए, महाराष्ट्र में भी ले जाए, मध्य प्रदेश में भी ले जाए, और देश के दूसरे कोने में भी ले जाए। आज आप लोगों ने हमें इनवाइट किया है, कल हम भी चाहते हैं कि हम आपको इनवाइट करें। तो आप भी अपने प्यार से, आपकी हिम्मत से और आपका जो भी सहकार है उससे हमें साथ देंगे।
तो दोस्तों, दूसरे भी बहुत सारे वक्तागण हैं, मुझे मेरी बात रखने का मौका मिला उसके लिए मैं आयोजक टीम से तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और जाते जाते मैं एक बात हमेशा हर प्रोग्राम में करता हूं कि आप अपना कीमती वक्त लेकर जो यहां पर 2 घंटे 4 घंटे यहां पर बैठे हैं, इतने अच्छे अच्छे वक्ताओं को आपने सुना है, इतने वक्ताओं को आपने जो 2-4 घंटों में सुना है, आप हजारों बुक्स भी पढ़ लेंगे ना तो भी उतना ज्ञान नहीं मिलेगा। लेकिन ये ज्ञान जो आप यहाँ पर बैठकर लिए हैं, उसमें से जो भी चंद पल आपको अच्छे लगे, आप यहाँ से जाइए, आपके घर में बात कीजिए, आपके सोसाइटी में बात कीजिए, आपके गांव में बात कीजिए, आपके सगे रिलेटिव्स के बीच में बात कीजिए, और इस क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे, अपना योगदान दे। यही मेरी आप लोगों से अपील है। जोहार, जय भीम, नमो बुद्धाय। 24 साल की युवावस्था में भरी पूरी गृहस्थी छोड़कर के सन्यास ग्रहण किया था। जब स्वामी ब्रह्मानंद जी ने सन्यास ग्रहण किया था तो उन्होंने कुछ प्रतिज्ञाएं की थी हरिद्वार में। उन्होंने जो प्रतिज्ञाएं की थी उनमें सर्वप्रथम उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी कि आज के बाद धन हाथ से नहीं छुएंगे। रुपया, पैसा, सोना, चांदी, हीरे, मोती ये कभी भी जीवन में हाथ से नहीं छुएंगे। दूसरी प्रतिज्ञा स्वामी ब्रह्मानंद जी ने की थी कि ज्ञान हम यहीं से प्राप्त करेंगे, जीवन पर्यंत समाज को ज्ञान बांटेंगे। और तीसरी प्रतिज्ञा स्वामी ब्रह्मानंद जी ने ये की थी कि यदि देश के लिए जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। और आज के बाद जो भी मेरी महिलाएं हैं वो माता के समान हैं, बहन और बेटी के समान हैं। ये 4 प्रतिज्ञाएं स्वामी ब्रह्मानंद जी ने ली थी। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने स्वतंत्रता के आंदोलन में 2.5 वर्ष की कठोर कारावास का भी उनको दंड मिला था, चूंकि वो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। मैं आपको बता दूं कि स्वामी ब्रह्मानंद जी कर्मकांड, पाखंड और अंधविश्वास के प्रबल विरोधी थे। और इसके बाद स्वामी ब्रह्मानंद जी ने अपनी वसीयत की थी। उस वसीयत को आप लोग अगर ध्यान से सुन लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि स्वामी ब्रह्मानंद जी के कौन से कार्य हमें आगे बढ़ाना है। उन्होंने ये कहा था कि मैंने किसी को गुरु नहीं बनाया और मैंने किसी को शिष्य भी नहीं बनाया, मैंने कोई विधिवत गुरु दीक्षा नहीं ली है, अपना नाम स्वयं रखा है और जो मेरे जितने अच्छे काम करता गया वो मेरे बहुत नजदीक आता गया। मेरे ऊपर अनेक संत गुरु महापुरुषों और ऋषि मुनियों के अच्छे विचारों का प्रभाव पड़ा, इसलिए मैंने जीवन पर्यंत अपने कर्म योग का और कर्तव्य का पालन किया है। मेरी जो भी संपत्ति बनी है वो किसी व्यक्ति की नहीं होगी, ये जनता जनार्दन की होगी। इसलिए जनता जनार्दन का काम है कि मेरे अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाए। धन्यवाद भाई, समय नहीं है, मैं चाहता हूं कि मैं वक्ताओं को सुनूं। मैं यहीं का रहने वाला हूं, स्वामी जी की कृपा मुझ पर पड़ी है, मैंने वहां से शिक्षा ग्रहण की है और आजीवन व्रत लिया है कि महापुरुषों के आंदोलन को जब तक हम जिंदा हैं इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। ऐसे सुनहरे कार्यक्रम आपको देखने को मिलते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में हमारे बेटे समान श्री नीरज पटेल जी बैठे हुए हैं, क्योंकि इनके पिता श्री मेरे साथ मेरे कार्यालय में काम किए हैं और मैं संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूं। जब मैं प्रदेश अध्यक्ष नहीं था तो पिताजी जिलाध्यक्ष के रूप में इनके कार्य करते थे, तो ये मेरे बेटे के समान हैं। आप नीरज पटेल जी नेशनल जनमत के संपादक जी हैं,